अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस कॉइन को लेकर आपके सामने हैं, ये वाला कॉइन तकरीबन काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास मौजूद है और लोग इस कॉइन को लेकर के बहुत, सबको पता है कि ये कोई इतना एक्सपेंसिव कॉइन नहीं है कि ये कोई हज़ारों के मालियत का हो। लेकिन कुछ दिन पहले एक साहब ने मुझसे रब्ता किया और उनके पास एक कॉइन था, 1 रुपये का ही कॉइन था और वो बहुत महंगा कॉइन था। उन्होंने उसके लिए एविडेंस वगैरह भी दिखाए, इसीलिए आज हमने ये वीडियो बनाई है। वो एक सच्चा वो था, उनके पास जो कॉइन मौजूद था, मतलब वो इतनी ही मालिक का था, तकरीबन 1.5 लाख रुपए तक का वो कॉइन मौजूद था। उसमें क्या ऐसी खास बात थी, वो क्यों इतना स्पेशल था, उसके मुताबिक आज हम बात करने जा रहे हैं। कि ये आप देख लीजिए कि ये 1947 से 1956 से की कॉइन्स बने थे। ये पाकिस्तान का पहले आइन से बनने से पहले के कॉइन्स थे। इनके ईयर से 1948 टू 1949, ठीक है, ये 1 रुपये की मालियत रखते थे। कॉपर निकल में इनकी कंपोजिशन थी, इनका वेट आपके सामने है, डायमीटर आपके सामने है। अब देखने वाली बात है जो है वो ये है कि उस कॉइन में ऐसी क्या खास बात थी। तो चले हम इसको थोड़ा सा बैक लेके जाते हैं और हम उस पर लिखते हैं पाकिस्तान 1 रुपये 1947 पैटर्न। पैटर्न कॉइन, इसको हम सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है, ये हम इसको ओपन करते हैं। ये देखें, ये रिजल्ट हमारे पास ओपन हो गया। अब आप ये देखें कि वो जो थे 1948 से शुरू हो रहे थे और ये वाला जो कॉइन शुरू हो रहा है ये 1947 से शुरू हो रहा है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एक पैटर्न कॉइन था और ये पैटर्न कॉइन जो था 1947 में था। इस वक्त इसकी जो इमेजेस हैं वो बहुत अच्छी क्लियर शो नहीं हो रही, इसकी इमेजेस हम आपको अलग से भी दिखा देंगे। तो ये 1947 जो था ये एक पैटर्न कॉइन था, ये सिर्फ और सिर्फ 1 रुपी नहीं था। अच्छा, अब आप इसकी इसमें चले जाएं, जरा देखें कि इसकी मिंटेज वगैरह कितनी थी। तो इसकी मिंटेज शो ही नहीं की जा रही है कि कितनी मिंटेज हुई थी और कितनी नहीं हुई थी। हालांकि ये भी कॉपर निकल में था, ये राउंड शेप में था, तमाम की तमाम चीजें वैसी ही मौजूद हैं जैसी कि आपने देखी। अच्छा, इसका जो मिंट था वो लाहौर मिंट था, इसका जो मिंट है वो लाहौर मिंट था। और ये देखें, लाहौर मिंट में था ये। लेकिन इसकी जो कीमत है, अगर हम इसकी कीमत पे बात कर लें, क्योंकि उनकी कीमतें भी आपके सामने थी, इनकी कीमत भी आपको दिखा देते हैं। ये देखें, आपके सामने से कीमत आ गई है यूएनसी में, ठीक है। यानी कि हम आपके सामने कोई झूठ का वो नहीं कर रहे हैं, सारा का सारा आपके सामने ही मौजूद है, सारी डेट सारी की सारी। इसे मिंटेज शो ही नहीं की गई कितनी तादाद में बनाए गए थे। तो ये आपके सामने, ये 1947 था और 1948 से जो थे वो एक दीगर कॉइन्स थे, वो दीगर कॉइन्स थे। अच्छा, इनके अगर हम प्राइजेस पे बात करें तो इनके प्राइजेस भी आप देख लें, ये इनके प्राइस हैं। ये देखें, इनकी जो प्राइजेस हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं, कितना, जैसे कि वेरी फाइन में है या फाइन में है या एक्स्ट्रा फाइन में है, यूएनसी में है, तो वो कितने कितने थे और उसमें कितनी कितनी तादाद में सेट बनाए गए थे, ये तमाम के तमाम लिखे आ रहे हैं। लेकिन ये जरूरी है कि 1948 से 1949 तक ही बनाए गए थे, ये बहुत ज्यादा तादाद में मिंट हुए थे। इसलिए अगर आपके पास ये वाले कॉइन्स मौजूद हैं तो ये एक नॉर्मल कॉइन है। अगर आपके पास 1947 का कॉइन है तो आपके पास जो है बहुत एक्सपेंसिव कॉइन मौजूद है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।